Now, isomerism in aldehydes and ketones. तो पहला हम देखेंगे यहां पर aldehyde. About aldehyde. Aldehydes. Aldehydes. RCHO. So first isomerism aldehyde shows chain isomerism. Two or more compounds having same formula but difference in the carbon chain. Example, CH3CH2CH2CHO and butyraldehyde. Common name याद है ना आपको, and butyraldehyde. So for chain isomerism it requires at least four carbon atom. कम से कम चार carbon atom चाहिए इसको isomerism show करने के लिए. ये आपको याद रखना है. Okay, CH3CH CH3CHO isobutyraldehyde. Isobutyraldehyde. So here the normal carbon chain, here branched. तो यहां carbon इसके latent में difference है. So two or more compounds having same formula. Formula क्या होता है इसका, यहां पर अगर हम लेंगे तो C4 hydrogen 3+2 5+2 7+1 8 and 1 oxygen. Okay, 4 carbon 3+3 6+1 7+1 8. Formula दोनों का same लेकिन carbon chain अलग अलग. So two or more compounds having same formula but difference in the carbon chain called chain isomers, skeletal isomers और nuclear isomers. तीनों इसके नाम है ना, chain, nuclear, skeletal. Okay, तो at least अपने को चाहिए यहाँ पर 4 carbon, 3 carbon में नहीं होगा क्योंकि branch नहीं बनता है ना उसमें, उसमें नहीं होगा. Next isomerism, isomerism number 2, aldehyde shows functional isomerism. तो मैंने आपको बताया कि functional isomerism में pairs fixed है, ethers, alcohols, acid, ester, वैसे ही aldehyde, ketone. तो aldehyde का functional isomer होता है ketone. And ketone and aldehyde having same formula. इनका general formula same है. जो functional isomer होते हैं उनका formula same होता है. मैं example आपको बताऊंगा अभी, यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए आप. CH3CH2CHO प्रोपियन aldehyde यानी प्रोपेनल. उसी तरह हम यहां पर दूसरा एग्जांपल कीटोन का लेते हैं, CH3COCH3 एसीटोन यानी प्रोपेनोन. कार्बन कितना है दोनों में, 3. हाइड्रोजन 3+2 5+1 6. 3+3 6. C3H6 ऑक्सीजन 1 1. दोनों का फॉर्मूला सेम, मतलब ये 3 का डबल है ना, मतलब अल्कीन फॉर्मूला बनता है ना, CnH2n CnH2n प्लस यहां पर कौन आएगा, O CnH2n. दोनों का फॉर्मूला सेम. ओके, जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन, जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन. तो दोनों का फॉर्मूला क्या है यहां पर, सेम. तो मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स. दो कार्बन वाला कीटोन होता है, दो कार्बन वाला कीटोन नो, इसलिए फंक्शनल आइसोमेरिज्म के लिए एटलीस्ट 3 कार्बन चाहिए. समझा? ओके, aldehydes एंड कीटोन्स पढ़ रहे हैं हम. तो अगर फंक्शनल आइसोमेरिज्म में हम बोलते हैं कि aldehyde इज द फंक्शनल आइसोमर ऑफ कीटोन, तो कीटोन के लिए भी सेम आइसोमेरिज्म वहां पर फॉर्म होगा. ओके, ठीक है. तो क्या कीटोन में चेन आइसोमेरिज्म हो सकता है, यहां पर हो सकता है चेन आइसोमेरिज्म इसमें हो सकता है, लेकिन उसी को यहां पर क्या बोलते हैं हम, मेटामेरिज्म. क्या बोलते हैं हम यहां पर उसको, मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म. ओके, तो मेटामेरिज्म के लिए कंडीशन है पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, जिसके दोनों साइड अल्काइल ग्रुप रहेंगे.
या थ्री साइड, मतलब मोर देन वन अल्काइल ग्रुप, जैसे ईथर ने शो किया था मेटामेरिज्म, याद है आपको आर ओ आर, वैसे ये कौन है आर सी ओ आर। ओके सी सी एच थ्री सी एच टू सी ओ सी एच टू सी एच थ्री पेंटेनोन पेंटेन थ्री ओन पेंटेन थ्री ओन। इसको इधर शिफ्ट करता हूँ सी एच थ्री सी ओ सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री पेंटेन पेंटेन टू ओन। देखो आप वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, यहाँ थ्री पे या टू पे। और इसको अगर कॉमन नेम देना रहा तो इथाइल इथाइल, डाइथाइल कीटोन। इसको देना रहा तो ये मिथाइल है और ये प्रोपाइल है, तो मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। सो टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम फॉर्मूला सी फाइव हाइड्रोजन, थ्री प्लस टू फाइव प्लस टू सेवन प्लस थ्री टेन, थ्री प्लस टू फाइव प्लस टू सेवन प्लस थ्री टेन। फॉर्मूला दोनों का सेम, बट डिफरेंस इन द अटैचमेंट ऑफ अल्काइल ग्रुप टू द पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। जो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है यानी कीटोन, जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप, उसके साइड में जो अल्काइल ग्रुप्स है वो अलग अलग है। सो टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम फॉर्मूला बट डिफरेंस इन द अटैचमेंट ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, अल्काइल रेडिकल्स टू द पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड मेटामर्स, एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। समझा? नेक्स्ट वन टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म के लिए मैंने कंडीशन आपको बताया था, जिस फंक्शनल ग्रुप में मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, जिस फंक्शनल ग्रुप में मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, और उसके नेबरिंग यानी अल्फा हाइड्रोजन है। कुछ एक्सेप्शन है जिसमें ये कंडीशन नहीं भी होती है तो भी बताता है टॉटोमेरिज्म, मैं बताऊंगा एग्जांपल आपको, लेकिन इन जनरल मल्टीपल बॉन्ड चाहिए फंक्शनल ग्रुप में और अल्फा हाइड्रोजन बाजू में अल्फा कार्बन पे, समझे आपको, तो ये बनाता है बोलो बोलो टॉटोमेरिज्म। जैसे मैं यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन दोनों देंगे टॉटोमेरिज्म, सी एच थ्री ऐसे लिख सकते सी एच थ्री को, सी एच ओ एसिटल्डिहाइड, कौन है ये एसिटल्डिहाइड। ओके एसिटल्डिहाइड, एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में इसमें होता है रीअरेंजमेंट ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि खुद से अगर होने लगा तो हम उसको क्या बोलते हैं रेजोनेंस, बरोबर है ना, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये कोई ना कोई मीडियम में होता है, इसका मतलब दिस स्ट्रक्चर इज हैज अ सेपरेट आइडेंटिटी, इसकी अपनी खुद की एक आइडेंटिटी है। एसिड या बेसिक मीडियम में डालने के बाद जो नया स्ट्रक्चर बन रहा है अब उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है, समझा, मतलब ये एक अलग कंपाउंड है और रीअरेंजमेंट होने के बाद जो बन रहा है वो एक अलग कंपाउंड है, समझा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, एक्चुअल होता कैसे है, ये यहां पर यहां जो इलेक्ट्रॉन्स है इस हाइड्रोजन को ले लेंगे तो इसकी वैलेंसी गड़बड़ हो जाएगी, प्लस चार्ज आ जाएगा ना बॉन्ड बनाएगा तो वो इसलिए इलेक्ट्रॉन यहां पर के इधर देता है शिफ्टिंग के लिए यहां पर, और यहां पर ये इसको हम ऐसे करेंगे, सॉरी इसको इलेक्ट्रॉन वापस आइए ना उसके, तो ये बॉन्ड शिफ्ट होता है इधर और ये जाता है वापस इसके इलेक्ट्रॉन इसको देने के लिए। आप बोलेंगे ये पाई बॉन्ड इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन क्यों दे रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर इसको बॉन्ड बनाने के लिए दिया है, समझा, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए दिया है, ये देखिए आ गया, तो इसलिए यहाँ का जो पाई बॉन्ड था वो उसके लोन पेयर उसको वापस देने के लिए गया है, समझाए, गेटिंग, और ये एज इट इज यहाँ डबल बॉन्ड बन गया सी एच टू एच, डबल बॉन्ड है इसलिए इन अल्कीन का इन, और यहां पर कौन है, डबल बॉन्ड है अल्कीन का इसलिए इन, और ये अल्कोहल का ऑल, तो क्या कहते हैं इसको इनॉल, क्या कहेंगे इसको एल्डिहाइड और इनॉल, इसलिए क्या बोलते हैं इसको अल्डो इनॉल टॉटोमेरिज्म, क्या कहते हैं इसको
अल्डोइनॉल टॉटोमेरिज्म। जरा ध्यान से आप देखिए, कीटोन में CH3COCH3-acetone मतलब कौन? कीटोन। ओके, फंक्शनल ग्रुप कौन है? कीटोनिक। ओके, यहां पर कौन है? अल्फा कार्बन। बाजू वाला कार्बन क्या होता है? अल्फा कार्बन। अल्फा हाइड्रोजन है उसके पास? यस। तो हाइड्रोजन जाएगा यहां पर, इस बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर दो शॉर्ट में समझने के लिए, ठीक है? तो क्या बन जाएगा? CH2 double bond COH, ये एच गया ऊपर, बॉन्ड इधर शिफ्ट, CH3 in nol। प्रोपीन से बना, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? प्रोपीनॉल। समझा आपको? जैसे इसका नाम क्या रहेगा? इथिनॉल। ये इथिनॉल, इथिन डबल बॉन्ड, तीन कार्बन वाला प्रोपीन, उसको लगा हुआ ऑल, और करेक्ट नेम देना रहे तो 1 2 3 प्रोपीन टू ऑल। समझा आपको? इसको बोलते कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। क्या बोलते इसको? कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। अब JEE में आ सकते हैं एप्लीकेशन, नीट में चांसेस तो कम रहते हैं। जैसे क्या ये शो करेगा टॉटोमेरिज्म? करेगा या नहीं करेगा? करेगा। अल्फा हाइड्रोजन है, मल्टीपल बॉन्ड है, अल्फा हाइड्रोजन इधर आएगा, इसका एक बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दो, CH2 double bond C double bond N, और H आ गया यहां पर। क्यों नहीं बनाएगा? बनाएगा ना, बराबर है कि नहीं है? हाँ बनाएगा। समझा आपको? कार्बन कितना है? दो। इथीन, इथीन इमाइन नाम है इसका, इमाइन। ये जो ग्रुप है इमाइन ग्रुप, इथिन इमाइन। जैसे ये इथिनॉल, ये वाला इथिन अल्कोहल का ऑल, और ये जो ग्रुप है डबल बॉन्ड एन, इसको इमाइन बोलते हैं। जैसे एन एच टू को अमाइन बोलते हैं, तो डबल बॉन्ड एन एच को बोलते हैं इमाइन ग्रुप। समझा आपको? तो इथिन इमाइन जेई में आ सकता है। अल्फा हाइड्रोजन कंडीशन है, जैसे आप मुझे बताइए यहां पर टॉटोमेरिज्म होगा या नहीं होगा? क्या यहां टॉटोमेरिज्म होगा? बेंजोफिन, इसका नाम क्या है? बेंजोफिनोन, बराबर है, बेंजोफिनोन होगा, क्योंकि ये अल्फा कार्बन है, चार बॉन्ड कंप्लीट, ये अल्फा कार्बन चार बॉन्ड कंप्लीट, हाइड्रोजन नहीं है ना वहां पर, तो नहीं होगा। समझा? ओके, राइट।